हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड गुड। आज मैं आप सब लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी, ये बहुत ही डिफरेंट और अमेजिंग है। इस टाइप की रेसिपी मुझे बहुत पसंद है। आज की ये रेसिपी बांग्लादेशी क्विजिन से है। बांग्लादेश में भरता बहुत ज़्यादा फेमस है। पहले मैंने बैंगन भरता की रेसिपी तो शेयर किया है, लेकिन आज जो मैं भरता रेसिपी शेयर करूँगी ये टोटली डिफरेंट स्टाइल में है। तो आज मैं शेयर करूंगी बरबट्टी भरता की रेसिपी, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। गर्मा गर्म स्टीम राइस के साथ अगर आप इसे ट्राई करेंगे ना, तो आप बार बार इसे बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी को चेकआउट करते हैं। भरता के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम बरबट्टी लिया है। ये मैंने ग्रीन वाला लिया है। मार्केट में दो टाइप के आते हैं, एक ग्रीन वाला भी मिलता है और एक ब्लैक भी, तो मैंने ग्रीन वाला लिया है। अब इसको हमें कट करना है। मैं यहाँ पे बस रफली कट करूँगी, इसके कोई शेप या साइज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस इसे हमें कट करके लेना है। बरबट्टी में कभी कभी बीच में कीड़े भी निकलते हैं, तो वो भी आपको थोड़ा सा देख के कट करना है। तो मैंने देखिए यहाँ पे 250 ग्राम बरबट्टी को ही कट कर लिया है। अब इसको हमें बहुत अच्छे से धोना है। इस बरबट्टी को हमें बॉयल करना है, तो उसके पहले मैं इसे 2 से 3 बार पानी बदल के अच्छे से धो लूँगी, ताकि इसमें बिल्कुल भी डस्ट या कोई भी गंदगी ना रहे। बरबट्टी को अच्छे से धोने के बाद मैंने एक पैन में ले लिया है, और इसी में मैंने 1.5 कप करीब पानी भी डाल दिया है। इस बरबट्टी को हमें बॉयल करना है। 1/2 टीस्पून करीब मैं नमक इसमें डाल रही हूँ। इसे हम 80% तक बॉयल कर लेंगे। तो देखिए धीरे धीरे पानी गर्म होना शुरू हो गया है। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम पर रखा है, तो 7 से 8 मिनट में ही यहाँ पर बरबट्टी 80% तक कुक हो जाएगा। बरबट्टी को यहाँ पे हम 100% बॉयल नहीं करेंगे, उससे टेस्ट अच्छा नहीं आता है। मैंने पहले ट्राई करके देखा है, तो अब मैं इसे 80% तक ही पकाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे बरबट्टी ऑलमोस्ट कुक हो गया है, यानी कि 80% कुक हो चुका है। तो इसी टाइम मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूँगी, इससे ज़्यादा और मैं इसे नहीं पकाऊँगी अब। तो मैं इसे पानी झराने के लिए एक स्ट्रेनर में निकाल लूँगी और इसे हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि इसे हमें बाद में पीसना है, तो बहुत ज़्यादा गर्म में नहीं पीसना है। 10-12 मिनट बाद यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग जार लिया है, और इसमें मैं बरबट्टी को ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इसे हमें पीसना है। भरता में हमेशा मिर्ची थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 मिर्ची लिया है। आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिर्ची डाल सकते हैं। अब लीड बंद करके इसे हमें अच्छे से एक फाइन पेस्ट बनाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बिना पानी के ही एक पेस्ट यहाँ पे रेडी किया है। पानी इसमें नहीं डालना है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आपको ड्राई लगता है तो थोड़ा सा पानी आप इसे डाल सकते हैं। तो पेस्ट यहाँ पे रेडी हो चुका है, अब इसे फ्राई करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फ्राइंग पैन ले रही हूँ, और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल। भरता हमेशा सरसों के तेल में ही अच्छा लगता है। तेल गर्म होने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून कलौंजी, 2 लाल मिर्ची को तोड़ के डाल रही हूँ, तीखा अच्छा लगता है ज़्यादा इसी में। और मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून क्रश करके रखा हुआ गार्लिक, यानी कि लहसुन। लहसुन से एक बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इस भरता में, तो ज़रूर डालिए। 1 मिनट के लिए लहसुन को फ्राई कर लिया है अच्छे से। अब इसमें मैं डालूँगी जो पेस्ट मैंने बरबट्टी का बना के रखा था। इसको गैस की फ्लेम को इस टाइम मैंने एकदम लो पे ही रखा है। अब हमें भरता बनाने के लिए इस बरबट्टी को बहुत अच्छे से भूनना है। जितने अच्छे से हम इसे भूनेंगे, यानी कि फ्राई करेंगे, भरता का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो गैस की फ्लेम को लो पे रख के थोड़ा सा टाइम देके इस भरता को हमें भूनना है। तेल के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी नमक। बॉयल के टाइम में 1/2 टीस्पून डाला था, तो इस टाइम मैं टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ। और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। इससे भरता का कलर बहुत अच्छा आएगा। आप चाहते हैं तो थोड़ा सा तेल और इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा कम ही डाला है, लेकिन भरता में थोड़ा सा ज़्यादा तेल अच्छा लगता है। अब देखिए सब कुछ बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब धीमे आंच पे इसे हमें धीरे धीरे पकाते रहना है, और बीच बीच में चलाते रहना है, ताकि नीचे से ये बिल्कुल भी ना चिपके। धीरे धीरे देखिए कलर चेंज हो रहा है, टेक्सचर चेंज हो रहा है, तो बीच बीच में इसे हमें चलाना है। तो मैं यहाँ पे 2 से 3 मिनट बाद ही इसे चला रही हूँ। आप देख सकते हैं कलर भी धीरे धीरे चेंज हो गया है, और ये धीरे धीरे फ्राई हो रहा है। तो हमें इसे बहुत अच्छे से फ्राई करना है। जैसे जैसे ये फ्राई होता जाएगा ना, धीरे धीरे इसका टेक्सचर भी चेंज होगा, और ये थोड़ा सा ड्राई भी होता जाएगा। तो आप देख सकते हैं शुरू से अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुका है, लेकिन अभी भी मैं इसे थोड़ा सा और पकाऊंगी, ताकि इसका टेस्ट अच्छा आए।
10 से 12 मिनट ऑलमोस्ट हो चुका है इस भरता को पकाते हुए, लेकिन थोड़ी देर और मैं इसे पकाऊंगी ताकि इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आए। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे टेक्सचर कलर सब कुछ चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे अब भरता एकदम रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं ये पैन से ऊपर आ रहा है, तो ये देख के आपको समझना होगा। और आप देख सकते हैं तेल भी छोड़ रहा है कढ़ाई में। तो इस टाइम मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूँगी क्योंकि भरता एकदम रेडी हो चुका है। तो आज के इस बरबट्टी भरता को मैं सर्व कर रही हूँ गर्मा गर्म स्टीम राइस के साथ। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए, और इसे लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़रूर शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिए आगे कुछ अच्छे अच्छे रेसिपीज़ के लिए।